उत्तर भारतीयों पर हमले की खबर एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार यह हमला मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात में हो रहा है। लेकिन शुरुआत मैं राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा के साथ करूंगा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है, जो टीवी 24 चंद सवालों को उठा रहा है ऑन स्पॉट पर, क्या इसके पीछे आप देखते हैं कि ये जो हिंसा हो रही है ये दरअसल राजनीति से ओतप्रोत है और सियासत 2019 के और इशारा कर रहा है, शायद इसलिए ऐसी तस्वीरें देखने को मिली? 100% आप सही बोल रहे हैं, और आपकी जो रिपोर्ट है, बैकबोन अगर देखा जाए इन सारी चीजों की, तो बैकबोन के पीछे वही रीजन है जो आप बता रहे हैं। मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। खंड खंड भारत आपके प्रोग्राम का आज की डिबेट का टाइटल है। आजादी के टाइम पे भारत जब खंड खंड हुआ तो भी बेस यही था, एक पॉलिटिकल जो है उसका बैकबोन जो था वो, एक बैकबोन मतलब जो विचारधारा थी भारत के बंटवारे के लिए पाकिस्तान और इंडिया की, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। और कुछ लोगों ने इन सब चीजों को आर्टिफिशियल तरीके से बना करके क्रिएट किया और प्लांट किया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि पहले शिवसेना अस्तित्व में तब आई, उसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी इसी मुद्दे को लेके बना था कि नॉर्थ इंडियन वर्सेस मराठी महाराष्ट्रियन, चूंकि मैं वहां रहा हूं तो मैं जानता हूं। देखिए, ये जो मुद्दे होते हैं एक बड़ा स्ट्रेटजिक टूल है, ये लोगों को बांटना, लोगों को कैसे, भाई गुजराती हैं हम, गुजराती वर्सेस अदर्स हो गया, तो लोगों के सेंटीमेंट्स जो है बहुत तेजी से उभरते हैं और पूरी जो क्राउड होती है वो दो पार्ट में पड़ जाती है। लाइव एग्जाम्पल इसका महाराष्ट्र का था, शिवसेना जो पराकाष्ठा पे पहुंची इसी चीज से पहुंची, लोगों को पोलराइज करने का एक एक पर्टिकुलर टास्क के लिए राजनेता लोग पॉलिटिकल राज ठाकरे ने भी ऐसा ही कुछ किया। अरे वही कर रहे हैं ना, हाँ। राज ठाकरे का तो मुद्दा ही अभी यही, हाँ। है, उनका तो एजेंडा ही यही है कि नॉर्थ इंडियन वर्सेस मतलब मराठी वर्सेस अदर्स, ये राज ठाकरे का अभी भी मुद्दा। तो क्या अल्पेश ठाकुर को इस रूप में ही देख सकते हैं कि शायद उनको पब्लिसिटी मिल जाए? नहीं, देखिए इसके मल्टी लेयर इनके टास्क होते हैं, जो सबसे पहला टास्क होता है कि किसी ने हो सकता है इनको पुश किया हो, ग्रेटर टास्क इनका क्या है, ग्रेटर अचीवमेंट क्या होना चाहिए ये होना चाहिए, और इंडिविजुअल अचीवमेंट, ये जो बोल रहे हैं कि शोहरत डेफिनेटली मिलती है, ये उनका इंडिविजुअल अचीवमेंट हो गया कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ग्रेटर लेवल पे अगर आप अचीवमेंट देखेंगे ना, तो ये बहुत बुरी चीज मुझे लगती है, और मैं इसमें बोलना चाहूंगा, हो सकता है इसके पीछे किसी न किसी एक राजनीतिक समूह, एक विशेष विचारधारा लोगों की जो है उनका जो है शह इन लोगों को मिल रहा है, जो कि बैकबोन बैक मतलब बैक साइड से इस सारे आंदोलन को वो लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, एक मजबूती दे रहे हैं, और स्पेशली आइडियोलॉजिकल मजबूती जो होती है वो फ्रंट पे जो लोग होते हैं उनके पास आइडियोलॉजी नहीं होती है, आइडियोलॉजिकल मजबूती या जो जनरेट होती है वो कहीं और, जो उनका थिंक टैंक होता है वो जनरेट करते हैं, और उसमें उस थिंक टैंक में बड़े बड़े लीडर्स वगैरह ये रहते हैं। और देश के लिए इस तरह की राजनीति बड़ी घातक है, क्योंकि इसका एक चैन रिएक्शन शुरू होता है। राज ठाकरे के कारण जो एक चैन वहां पे शुरू हुआ, नॉर्थ इंडियन को मारना शुरू किया, आप देखिए बिहार में जो मराठी थे, यूपी में जो मराठी थे, उनके ऊपर भी अटैक शुरू हो गए इन लोगों, तो वाइस वर्सा है ये। नहीं, वाइस वर्सा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इतना भयंकर इसका एक चैन रिएक्शन शुरू होता है ना, कि अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल ना करे तो ये हर स्टेट में, तो मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, हम सब लोगों की मजबूती क्या है कि हर जगह सारे स्टेट के लोग हैं, सारे जाति और धर्म के लोग हैं। चैन रिएक्शन होने का मतलब ये होता है, जैसे भारत का जब बंटवारा हुआ एक चैन रिएक्शन शुरू हुआ, तो आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में बलवा मच गया, कितने लोग मारे गए, डेवलपमेंट इकोनॉमी आपकी स्टॉप हो जाती है। अभी देखिए गुजरात में ये चीज हुई है, सारे मजदूर छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिए, महाराष्ट्र में ये हुआ था, सारे मजदूर वहां से भागना शुरू कर दिए, तो क्या वहां के मिल मालिकों को, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ? आपका प्रोडक्शन बंद रहा, आपकी फैक्ट्री बंद रही, आप उन मिल मालिकों से जाके पूछिए जो गुजराती हैं, जो मराठी हैं, उनसे पूछिए उनका कितना इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, तो मल्टी लेयर का नुकसान इससे होता है। ठीक है, अक्रम कादरी, कांग्रेस क्या देखती है, क्या वाकई अल्पेश ठाकुर का नाम इस पे आना, 2019 को इससे जोड़ना, क्या लगता है कांग्रेस को? देखिए, अल्पेश ठाकुर एक मामूली नेता है, वो कोई वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, वो कोई वहाँ के गृह मंत्री नहीं है। इसमें पूरी तरीके से ये 4-4.5 साल में बीजेपी सरकार विफल रही है। इसके टाइम में हरियाणा बुरी तरह जला, इसके टाइम में महाराष्ट्र बुरी तरह जला, गुजरात पहले पटेल आंदोलन में जल चुका है, अभी हमने किसानों के आंदोलन देखे, ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी विफल है। इनको माफी चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से बीजेपी विफल है। इसने अभी तीनों राज्यों में इनकी सरकार है, बिहार में भी इनकी सरकार है, यूपी के अंदर इनकी सरकार है, गुजरात में इनकी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, उसके बाद यूपी और बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश के लोगों को मारा जा रहा है। मोदी जी को जब यूपी के अंदर आए थे तो यूपी के लोगों ने रेड कारपेट बिछा दिया था, पलकों पे
बिठा लिया था उनको, उसके बावजूद अगर यूपी के लोगों को मारा जा रहा है तो ये बड़े शर्मनाक बात है। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसा कोई पहली बार भी नहीं हो रहा कि यूपी के, हालांकि इसलिए आप चूंकि बोल रहे थे आपका पक्ष रखना आपका हक है, एमएनएस के गुंडागर्दी जब हुई थी वो भी नहीं उस वक्त महाराष्ट्र में आपकी सरकार भी थी अलायंस में, नहीं सहयोगी इन्हीं के थे वो मारने वाले, सेंटर में वाले सर, सहयोगी को क्यों जोड़ रहे हैं? एमएनएस कब बीजेपी के साथ आके खड़ी हो रही है? मैं तो जो पॉइंट कह रहा हूँ, आप अगर सरकार को का फेल्योर बता रहे हैं तो उस वक्त आपने कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन तुरंत उठा लिया था? सेंटर पर यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, महाराष्ट्र में आपकी गवर्नमेंट थी, तो देखिए ऐसा है कि ये फैक्टर तो तब भी लागू था और आज भी वही चल रहा है, तो ये कह देना कि बीजेपी 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 कर रही है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जस्टिफाई तो कर दीजिए सर। ये उस समय पूरा हमारी सरकार ने एक्शन लिया था और उनको सुरक्षित किया था। अभी हालात क्या एक्शन हुआ था कि मिश्रा जी, क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं? आप इनसे जरा ये पूछिए, 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तो इन्हीं के एक नेता ने कुछ बोला था, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, कितने सिखों को जो निर्दोष थे, आपको इतिहास नहीं पता है, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो आज भारत कुछ और होता, इतनी कुर्बानियां इन्होंने दी हैं। अगर ये बात आप सिखों से जाके आप सुन लीजिए, प्लीज लिसन ना, कंप्लीट करने दीजिए, मैं बोलता हूं आपकी सरकार थी, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, मैं किसी उसके नहीं, लेकिन एक कॉमन पब्लिक को बचाना आपका राजधर्म होता है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी की भी हो, किसी एक ने गलती की है, लेकिन जब पॉलिटिकल विल जो है वहां पे शामिल हो गई सिखों के, मतलब जब उनका नरसंहार हो रहा था तो वो बड़ा बीभत्स रूप ले लेती है, गलियों तक वो आप फैल जाती है। एक पॉइंट और है मिश्रा जी, मैं एक पॉइंट और एड ऑन करवाना चाहूंगा, अकरम कादरी ने जो शुरुआत की तो अल्पेश ठाकुर का एक छोटा सा नेता है वहां पे, यही छोटा सा नेता और इन जैसे छोटे से नेताओं ने मिलकर बीजेपी को धूल चटाने की पूरी राजनीति तैयारी की थी। वाला भी छोटा नेता था, बिल्कुल, और उसको अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं अकरम कादरी, तो ये कितनी जवाबदेही दिख रही है? मोदी जी के वोटर हैं सारे टोटल, ये अब देखिए वोटर भी आप इससे कैलकुलेट कर रहे हैं सर, ये रियल में ये मोदी जी का गुजरात है मॉडल है, ये सहिष्णुता और अखंडता, मजदूरों को कैसे मारा जाए, किसानों को कैसे मारा जाए, इसको वोट बैंक से मत जोड़िए, ये बिल्कुल ये गुजरात मॉडल वाला मुद्दा हो चाहे महाराष्ट्र में, ये हमारी देश की अखंडता से जुड़ा मुद्दा है सर, आप बिल्कुल अखंडता से मुद्दा है, सिखों को मारने में जो योगदान है वो सबसे बड़ा बीजेपी का, आज सिखों के लीडरों से बात कर, हकीकत बात है, सिखों ने उकसाया था उनको कि इंदिरा जी को मार दो, सिखों के लीडरों से मैंने बात की है, वो ये कहते हैं कि इंदिरा जी को मार दो और हम तुम्हारे साथ देंगे, और बात को सिखों को मरवा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसकी थी सर? आपकी गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट के उस टाइम के कई नेताओं पे मुकदमा चल रहा है सर, और बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमा चल रहा है, गुजरात पे बात हो रही है, 2002 में कतलेआम हुआ था, सर मैं पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात, आप गुजरात सरकारों, आप गुजरात मिश्रा जी एक बार सुन लेते हैं, अकरम कादरी को सुन लेते हैं, अकरम गुजरात मॉडल आप देखिए, जिस मॉडल को पूरे भारत के अंदर दिखाया गया, दुनिया में दिखाया गया, गुजरात मॉडल में हो क्या रहा है, आप उस पे देखिए, नहीं मैं इसको दूसरे पक्ष में समझूं, अल्पेश ठाकुर, अल्पेश ठाकुर का नाम लेकर दूसरे पक्ष में समझू अकरम कादरी साहब, अल्पेश ठाकुर को कितने वोट मिले, आज लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं सर, यही मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव पे लेकर आ रही थी ना, जो आपने कहा कि इस हार में भी जीत है, जब आपने गुजरात में जो है कड़ी टक्कर दी थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैं तो दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, जो हमने टक्कर दिया वो अकरम कादरी साहब, सुन लीजिए, विफल रही थी, अरे अकरम कादरी साहब, अगर देखिए विफलता की बात करेंगे तो सवाल बदल जाएगा, विफलता की बात अगर थी, अगर इतने विफल थे तो फिर भी आप मेजोरिटी में क्यों नहीं आ पाए, मैं ये पूछूंगा, इसलिए देखिए मेरा मुद्दा वो नहीं है, सीधा टू द पॉइंट आता हूँ, एक छोटा सा कनेक्शन मेरे पास आर्टिकल में लगता है, वो ये कि दरअसल उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने के पीछे एजेंडा कुछ और है, अलावा इसके जबकि ये भी पता है कि गुजरात में दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी मजदूर तबका बहुत बड़े लार्ज स्केल पर है, और ये इंडिकेशन है कि बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा किया जाए कुछ ऐसा करके जिससे एक मैसेज कन्वे हो, इसलिए जो है उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया। अब सीधा सा आप इंपैक्ट पॉजिटिव चाहते हैं कि आपको एमपी और गुजरात में, क्योंकि कुछ सर्वेज भी आपके साथ दिख रहे हैं, ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको शायद फायदा मिल जाए, तो क्यों आप पे सवाल ना खड़ा हो? फायदे की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है, इसमें ऑलरेडी आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं, इसमें ये अल्पेश ठाकुर को मोहरा बना दिया गया है खामखा का, इसके अंदर पूरे गुजरात मॉडल है, इसके अंदर जो पटेल आंदोलन के तहत अत्याचार और जुल्म से हजारों करोड़ के नुकसान हुए वहां पे, और वही चीज अभी है, इसके पीछे आप बीजेपी देखिए, आप अल्पेश ठाकुर मत देखिए। ठीक है, फजील अहमद साहब, देखिए कांग्रेस का अपना तर्क है, फजील अहमद साहब को मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पे आ जाएं, उसके बाद वापस मैं बीजेपी के मेहमान को जोड़ूंगा। फजील अहमद से मेरा सवाल, एक बार फिर से सारे मेहमानों को स्क्रीन पे लें, फजील अहमद साहब, जन अधिकार पार्टी है, पप्पू यादव की पार्टी है, बिहार से आप राजनीति करते हैं, बिहार के तमाम पहलुओं पर गौर करते हैं, लेकिन आज उत्तर भारतीयों के ऊपर जो लगातार हमले की खबर आ रही है गुजरात में, कम से कम इसे किस दिशा में लेते हैं, क्या यहाँ भी राजनीति नजर आ रही है फजील अहमद आपको?
देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बीजेपी बात करती है कि राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जहां उनकी सरकार है वहां पे बात बिहार की नहीं है, ये गरीबों पे जुल्म हो रहा है। आप बहुत से गुजरात के अंदर बड़े बड़े मॉल के मालिक हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनके ऊपर कुछ करके दिखा दे। वो जो मजबूत लोग हैं उनके ऊपर इनके पास नहीं चलता है, वो भी बिहारी हैं। मैं उससे मेरे जानने वाले लोग हैं जहाँ वहाँ अच्छे हैसियत में हैं। ये पता नहीं बीजेपी का क्या सिस्टम हो गया है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है। चाहे तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ही करवा रही है ये? देखिए, 2019 का चुनाव आ रहा, आपने कहा, मिश्रा जी ने भी कहा, कादरी साहब ने भी कहा, 2019 आ रहा, अभी लेटेस्ट चुनाव उन्होंने बड़ी मुश्किल से सरकार बनाई है, ये आपने भी देखा। और अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल गई होती तो शायद सरकार भी नहीं बनती। तो निश्चित रूप से ओबीसी एससी एसटी के लोग ही गरीब हैं, और वही लोग, उनको जब एनालिसिस किया उन्होंने अपने चुनाव की समीक्षा की कि भाई हम इतनी कमजोर स्थिति में क्यों आए कि हमको बड़ी मुश्किल से सरकार बना, अगर केंद्र में उनकी सरकार नहीं होती और अगर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होता और अगर मिल के ये लोग लड़े होते तो भाजपा गुजरात से भी हाथ धो देती और वहीं से शुरुआत होती पूरे देश से। देखिए, आप ही सवाल देखिए, नहीं फजील अहमद साहब, देखिए आप ही के जवाब में मेरा सवाल भी छुपा हुआ है। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप इतनी अच्छी एनालिसिस कर बैठे हुए हैं तो मेरा सवाल यही है कि अगर बीजेपी लगातार नुकसान खा रही है तो ऐसे पहलू पर, ऐसे वक्त पर क्या बीजेपी खुद से सेल्फ गोल करना चाहेगी? क्या इस वक्त उत्तर भारतीयों को अटैक करके क्या मैसेज ये कन्वे करना चाहेगी जहां पर एग्जिट पोल या फिर जो आपके सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुत ज्यादा जीत की स्थिति की ओर नहीं बढ़ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तो ऐसे कंडीशन पर क्या ये इमेज बिल्डिंग का वक्त है या फिर इमेज को क्रैकडाउन करने का वक्त है? जरा सोचिए, मैं ये समझना चाहता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने कहा इमेज बिल्डिंग, तो सामने नाम किसका आ रहा है? अल्पेश ठाकुर, वो कांग्रेस का है। नाम किसका आ रहा है? अल्पेश ठाकुर का। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं से इमेज बिल्डिंग किसकी खराब कर रही है? कांग्रेस की खराब कर रही है। गवर्नमेंट तो आप तो देखिए, अल्पेश ठाकुर को कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का एक छोटा नेता बता, नहीं सर आप ही की बात को मैं पूरा करने दे रहा हूं, लेकिन अल्पेश ठाकुर को छोटा नेता बताया जा रहा है, खुद बीजेपी की गवर्नमेंट की बात हो रही है। कांग्रेस के लोग हैं वो दुनिया को छोटा मानते हैं, खुद बहुत बड़े रहते हैं, चाहे एक सीट पाएंगे ना पूरे देश में, एक सीट जिस दिन आएगी उस दिन भी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी और सबसे बड़ा आदमी बोलेंगे। अल्पेश ठाकुर उस पर बात नहीं, का माहौल खराब कर देंगे अपने सर, पे। आप एक चीज तो ध्यान रखिए कादरी साहब, हो कैसे गया सर, कादरी साहब एज ए हिंदुस्तानी, एक इंडियन, एक आम हैसियत की नागरिक से अगर हम राजनीति करते हैं, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भिंडरा वाले को भी सर एक मिनट, आप मिश्रा जी ज्यादा तेज बोलने से सच झूठ नहीं हो सकता, झूठ सच नहीं हो सकता, धीरे बोल के भी अपनी बात बोली जा सकती है। जिस तरह से आप किसी कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता के साथ मैं बहुत डिबेट किया हूं, उन लोग की प्रॉब्लम, ईगो की प्रॉब्लम बहुत है, वो सबको छोटा समझते हैं। और हम एक रिक्शा, एक गरीब आदमी जो भारत में जिसके उंगली में रोशनाई लग सकती है, हमारे लिए हर आदमी सम्मानित है, बराबर है, उसको पूरा अधिकार है देश की राजनीति पर चर्चा करने का, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे कादरी साहब हो, चाहे फजील अहमद हो, हमें पूरा हक है सरकार के प्रधानमंत्री की आलोचना करने का भी और समालोचना करने का भी और उसकी प्रशस्ति करने का भी, मुझे पूरा हक है और ये हक किसी को नहीं लेना चाहिए। अल्पेश ठाकुर छोटा आदमी है मुझे नहीं पता, कितना बड़ा आदमी है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज नाम किसका आ रहा है? अल्पेश ठाकुर का। तो अल्पेश ठाकुर है कांग्रेस पार्टी का, तो अब कांग्रेस इमेज बिल्डिंग किसकी खराब कर रहा है? तो कांग्रेस की, तो खराब कौन कर सकता है? बीजेपी तो खराब करेगी। एनपी सिंह, एक मिनट सर, अभी पूरी बात जल्दी जल्दी सर, हां जल्दी, बीजेपी खराब करेगी। दूसरी बात, विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी रहे या ना रहे, पहली प्राथमिकता क्या होती है? कि हम चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे देश में नरेंद्र मोदी रहे चाहे ना रहे, हम चीफ मिनिस्टर रहे। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि विजय रूपानी चाहे रहे चाहे जाए, हम प्रधानमंत्री रहे। आज हिंदुस्तान की सियासत में गांव का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सबसे पहला सोच उसका है कि हम बने रहे। हमारे बने रहने के लिए चाहे हमको देश को कुर्बान करना पड़े, आदमी का खून बहाना पड़े, तो बहा देंगे, हम इस पर चिंता नहीं करेंगे। तो आज जो कुछ हो रहा है वहां पे, वो विजय रूपानी अपनी बचाने के चक्कर में ये सारी प्रायोजित तरीके से काम कर रहे हैं। रुक जाइए मिश्रा साहब, आऊंगा आपके पास। और इसीलिए इनको गरीबों पर जुल्म हो रहा है, ये बिहारी उत्तर प्रदेश नहीं, हम तो कह रहे हैं, मैं नाम बताता हूँ, चलिए जहां पे वो बच्चे, जहां झगड़ा हो रहा है,
वहाँ के 100 लोगों का नाम मैं बता सकता हूँ जो बिहार मूल के हैं, उत्तर प्रदेश मूल के हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है उससे पहले। ठीक है फजील अहमद, ठीक है मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, उससे पहले मैं एंट्री सिंह का एक छोटा सा रिएक्शन। सिंह साहब लेट कर देते हैं, स्वागत है आपका देर आने के बाद भी, लेकिन आपका रहना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं। इल्जाम जो आपने सुना फजील अहमद की तरफ से, देखिए ये दरअसल कांग्रेस की सियासत नहीं, आपकी भी सियासत हो सकती है ये भी कहना है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं वो दरअसल आपको पीछे की ओर दिखा रहे हैं, इससे शायद आपको लगता है कि एक ट्रंप कार्ड खेल लो, अगर ये क्षेत्रवाद की राजनीति हो जाती है तो शायद आपको शायद सियासत चमकाने का मौका मिल जाए। ऐसे सियासत कर रहे हैं, ये सारे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो इन पार्टियों की सोच है वो अपनी सोच उजागर कर रही है कि वो इस तरह की बातें सोचते हैं, जिस तरह की बात बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की कि केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमने किसी को नहीं भगाया, किसी के साथ ऐसा नहीं किया। किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, गुजरात भगा रहे हैं आप। गुजरात में केवल आज एक दंगा जिस तरह से इन्होंने करवाया है, ये कहीं भी नहीं हुआ है। उत्तर भारतीयों के साथ कहीं भी नहीं हुआ है, मैं बता दे रहा हूं। आप केवल आप अपनी सोच को उजागर कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने 12 अगस्त का घर आप देते हैं, हमारी पार्टी ने लोगों को, उत्तर भारतीय लोग आए हैं, सबका सम्मान करते हैं सर। हमने किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया जिस साइड में एक मिनट फजील साहब सुन लीजिए, सिंह साहब सोच हो सकती है आपके और नारे आपके अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा सोचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको सम्मान दिया है और सबके साथ बराबर काम किया है। हम लोग सबको रोजगार देने के साथ साथ सबका सम्मान करते हैं। बाहर से बुलाकर गुजरात में उद्योग लगाए जाते हैं, बाहर से बुलाकर लोगों को रोजगार दिया जाता है, बाहर से बुलाकर लोगों को सम्मान दिया जाता है। आप सोच रहे हैं जिस तरह की बात। अच्छा एक छोटी सी बात सिंह साहब चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इनकी अपनी सोच हो सकती है, बट मेरा तो काम है सवाल पूछने का, मैं तो हक से सवाल पूछ सकता हूँ ना। तो मैं ये सवाल यही आपसे पूछ रहा हूँ, अगर अल्पेश ठाकुर जैसे नेता कांग्रेस के जो आपको नाको चने चबाने पे मजबूर कर देते हैं गुजरात चुनाव के समय, अगर उनका नाम इस पूरे के पूरे केस में आ रहा है तो सीधी सी बात है कांग्रेस यहाँ पर हर्ट होती दिख रही होगी, तो क्या इससे आपको फायदा नहीं मिल सकता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी बहुत सारे कामगार वहां पे काम करते हैं और उन दोनों जगह पे अभी पे विधानसभा का चुनाव होना है, और वहां पर क्या आप सियासी माइलेज नहीं ले सकते हैं कि कांग्रेस देखिए किस तरह से राजनीति करती है? तो क्यों आपसे हम सवाल ना पूछें कि आप फायदा ना उठाएं? नहीं देखिए, हमारा फायदा कभी भी इन बातों में और इन चीजों में नहीं होता। जिस तरह सर आपका रहता नहीं, कांग्रेस का रहता नहीं, तो किसको फायदा मिल रहा है जिस तरह से इस तस्वीर में रही है? देखिए अल्पेश ठाकुर की बात कर रहे हैं, चाहे अल्पेश ठाकुर हो चाहे दूसरे कोई हो, किसी को भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करने दी जाएगी। बहुत जल्दी कंट्रोल होगा और सारे के सारे आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। किन लोगों ने किया है वो सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। वापस आप ही के पास आऊंगा और मैं समझूंगा किन लोगों ने किया। क्या अभी भी आप अनजान है? क्या अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है? क्या अभी भी आप ऐसी तस्वीर को देखकर झुठलाना चाहते हैं कि किन लोगों ने किया और ऐसी तस्वीर क्यों बनी? अखंड भारत की बात होती है, लेकिन जब कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती है जहां पर अपने ही अपनों से मारपीट के शिकार होते हैं, खुद में खतरा महसूस करते हैं, जहां पर वो काम कर रहे हैं शायद दरअसल वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते हैं, तो सवाल उठता है क्या वाकई ये अखंड भारत है या फिर ये खंड खंड होता हुआ भारत है जहां पर क्षेत्रवाद हावी है, जहां पर जातिवाद हावी है, और इस प्रांतवादी राजनीति से उभरने के उपाय क्या हो सकते हैं? या फिर ये कहा जाए कि दरअसल ये तमाम जो तस्वीर है, तमाम जो कार्यक्रम है या फिर तमाम जो एपिसोड नजर आ रहे हैं वो दरअसल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और इनका फायदा मिले शायद इसीलिए राजनीतिक हथकंडे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी इस्तेमाल को लेकर तो सवाल होता है, क्या वाकई हित की सोची जाती है या फिर अहित में ही अपना हित सकता है? शायद इसी वजह से सियासत होती है और इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम ऑन स्पॉट में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं एक बार फिर से हम उनको आपके सामने आपसे मिलवाते हैं, उसके बाद सीधा डिबेट पे लौटते हैं। हमारे साथ एनपी सिंह बीजेपी की तरफ से, अकरम कादरी कांग्रेस की तरफ से, फजील अहमद जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की तरफ से, और एके मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों को एक बार फिर से, और देर किए बिना शुरुआत में एनपी सिंह से करूंगा। एनपी सिंह, क्यों पॉलिटिकल मोटो ना देखा जाए, क्यों पॉलिटिकल हित ना देखा जाए? कांग्रेस सीधे तौर पर आपको कह रही है कि आप करा रहे हैं, फायदा आप लेना चाहते हैं, फायदा उठाकर जो है आप चाहते हैं कि सियासत की तस्वीर बदली जाए, और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है कि जहां पर आप क्षेत्रवाद की बात करते थे, खासकर कि गुजरात में जहां पर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, जहां से तस्वीर बदलने की बात करते हैं, वहां पर अभी तक जो ध्रुवीकरण की सियासत चलती थी वो दरअसल धर्म के हिसाब से चलती थी, अब वहां पे क्षेत्रवाद की सियासत होने लगी। क्या लगता है कि एजेंडा सेट करती है आपकी पार्टी? क्या नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं
आपको पता है कि कांग्रेस समाजवादी और बसपा से तालमेल करना चाहती थी, दोनों से तालमेल नहीं हो पाया उनका। सपा ने भी और बसपा ने भी आरोप लगा दिया कि बहुत बहुत बड़ा समझते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते। आज कांग्रेस को जब लग गया कि सपा भी छिटक गई, बसपा भी छिटक गई, अकेले रह गए हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं सारी चीजों को, अल्पेश ठाकुर जी का नाम हो या किसी का नाम हो, केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आपस में उनका तालमेल हो जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और आज तालमेल नहीं हो पाया, तीनों छिटक गए हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं से ये उन्हीं पार्टियों में से किसी की देन हो सकती है जो आपके सामने आ रही है। किसकी क्या? देखिए वहां कांग्रेस का ही वजूद है मेरे ख्याल से, दूसरा किसी पार्टी का इतना ज्यादा वजूद नहीं है वहां पर, सपा का और बसपा का। सपा का भी कोई ज्यादा नहीं है, कांग्रेस ही वहां पर पिछली बार भी फाइट में थी, उनका ना पिछली बार तालमेल हुआ है ना आगे के लिए तालमेल है। बसपा बहन मायावती जी ने भी उनको मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है, भाई अखिलेश जी ने भी उनको मना कर दिया। यानी गुजरात से आप, गुजरात से आप मध्य प्रदेश और राजस्थान को साधने में लगे हुए हैं? नहीं, वहां से साधने की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनको ये लग गया कि अब हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले खड़े हो गए तो कोई ना कोई एजेंडा। अकरम कादरी जवाब दीजिए, अकरम कादरी जवाब दीजिए, क्या आप अपना हित साधने लगे? देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की, हमेशा हम इसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, उत्तर भारतीयों का बेहतरीन तरीके से इलाज होता था, बिहार वालों को हॉस्पिटल में इलाज होता था। आज इनका गवर्नमेंट है, इनका राज्यपाल है, उत्तर भारतीयों को बंद कर दिए गए इलाज कराना, कोई मजदूर इलाज नहीं करा सकता है, पूरे दिल्ली में जाकर आप जाके देखिए 3 तारीख से क्या रोल आ गया। कहीं भी इलाज करवा लीजिए, आप यहाँ आए कुछ पता करके आइए, दिल्ली में तो नहीं है ना, आप पता करके आइए, कुछ सरकार में नहीं है, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केंद्र सरकार कोई भी मजदूर का उत्तर पश्चिम बंगाल का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, अगर उसके पास वोटर आईडी नहीं है, यूपी का आधार कार्ड, दिल्ली का आधार कार्ड, इलाज नहीं होगा जनाब। आप पता कीजिए क्या करा आपके राज्यपाल ने दिल्ली में, कोई मजदूर इलाज नहीं करा सकता जिसने दिल्ली का निर्माण करा है, जिसने बॉम्बे का निर्माण करा उसको तुमने गलत कह रहे उत्तर हैं। अरे आपको पता ही नहीं है आप जाकर किसका इलाज नहीं दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में ये रूल बन गया है, 3 तारीख से लागू हो गया। हाँ हो गया लागू, दिल्ली के हॉस्पिटल में कोई भी दिल्ली से बाहर का इलाज नहीं करा सकता। एक के मिश्रा फोकस कीजिए, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो ये आपकी जो सरकार में से हो रही है आप गलत, हमारी सरकार थी 15 साल हमारा साथ में जब भी था कभी ऐसा नहीं हुआ है भाई, ऐसा रूल बन गया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, खैर चलिए, जैसे अगर ये जो बोल रहे हैं अगर दिल्ली में इलाज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें। मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर नागरिक का आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जैसे फॉरेन में होता है, देश की सुरक्षा और बहुत सारे चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आधार कार्ड आदमी को खुद जागरूक होकर बनवाना चाहिए पहली चीज, और गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए। तो ऐसा ही हो जाएगा, नहीं अगर आधार कार्ड पश्चिम बंगाल का तो इलाज कम हो जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा, मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा पैरामीटर लगाती है कि आपकी आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी आपके आदमी का यहाँ देश के हर आदमी का होना जरूरी है, सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है। अगर देश से बाहर का भी कोई मरीज आता है ना, तो डॉक्टर कर्तव्य पहले उसका इलाज करना। सर बिना पासपोर्ट के आ जाता है, बिना आइडेंटिटी के आ जाता है, पाकिस्तान के बिना आइडेंटिटी के आ जाता है, बिना आइडेंटिटी के वो आदमी आ जाता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो वो कहीं ना कहीं से भारतीय है, उसका अस्पताल में तो पहले इलाज होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट और पब्लिक ये क्यों नहीं चाहती है कि हमने खुद जाके अपना आधार कार्ड बनवाया, इस चीज को मैं फेवर करता हूँ। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, सबका आधार कार्ड बनने में टाइम लगेगा, सबका आधार कार्ड बनने घर मिल जाएगा, हर आदमी का दिल्ली का आधार कार्ड कैसे बन जाएगा, क्यों नहीं कैसे बन जाएगा दिल्ली का यूएसए में, अगर बिहार में नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए, ए के मिश्रा एक सेकेंड, ए के मिश्रा मैं गुजरात के टॉपिक पे आ जाऊं, आधार कार्ड से अगर थोड़ा सा बाहर निकल गए हो तो, क्योंकि एक बात बहुत प्रैक्टिकल है जो कादरी साहब भी कर रहे थे, मैं उनको भी सुन रहा था, कुछ फेरबदल नियमावली में किए गए हैं ये एकदम सही है, कुछ रिजर्वेशन कर दिए गए, मानक तय कर दिए, इतने परसेंट लोग जो नॉन दिल्ली रेजिडेंट होंगे वो आके यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। और यही एक सवाल है, शायद एक मजबूरी भी है कि उनके पास फैसिलिटीज कम है, हॉस्पिटल का संसाधन कम है, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, शायद वहाँ के लोगों को भी जरूरत के हिसाब से लगना है, या फिर उसी स्तर से दरअसल अब बंटवारा शुरू हो चुका है। अगर आप नॉन रेसिडेंशियल ऑफ दिल्ली हैं तो आपके लिए शायद यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, इतने परसेंट पे आपको इलाज कराना होगा अगर अवेलेबिलिटी है तो। इस क्राइसिस सिचुएशन को तो शायद ऊपर से ही तैयार किया गया। फजील अहमद, क्या आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट की जो सोच है, दरअसल इसी सोच में ही वो क्षेत्रवाद नजर आ गया? सर ये जो इन लोग को प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता, अब डॉक्टर से कह दिया जाए कि साहब आप ऐसा करो, डॉक्टर के पास एक फिक्स बजट है ना,
बजट के हिसाब से ही तो काम करेगा, जो सीएमओ होता है या मेडिकल इंचार्ज होता है, हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है, ये बजट किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। जब सरकार उनको उनको 400 बेड चाहिए और हॉस्पिटल में 200 बेड, एलएनजेपी में जाके देखिए एक बेड पे चार चार लोग लेटे रहते हैं, वार्ड्स नहीं है, बेड नहीं है, इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, ये सब काम मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं कर सकता, वो सरकार करती है। अब सरकार ये अपनी पीठ थपथपाए, वो अपनी पीठ थपथपाए, सच्चाई क्या है इनको भी पता है उनको भी पता है, लेकिन सच्चाई पे, और सबसे बड़ी बात हमारे देश की भोली भाली जनता है, आके टीवी पे बोल दिया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सच्चाई से अवगत कोई नहीं होता। सब आपको पत्रकार है, आपको पता है, हमको भी पता है, एक दो अस्पताल दिल्ली के अंदर एलएनजेपी और दो तीन चार अस्पताल, आबादी कितनी बढ़ गई, पूरे देश से लोग आते हैं दिल्ली के अंदर इलाज कराने। एक तो दिल्ली का ट्रस्ट है उनको कि भाई एम्स जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप जाके एम्स में देख लीजिए, मरीज को भर्ती नहीं लेते, नहीं सर देखिए ये परेशानी है, मेरा सवाल ये परेशानी नहीं, नहीं फजील अहमद, मेरा सवाल कुछ और था। देखिए आप उस परेशानी के ऊपर भी बात करें जिस परेशानी का निदान करने के लिए लगातार आप लोग भी, आप भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको भी पता है कि किस तरह की बुनियादी समस्याएं वहां पे होती है जहां पे आपका जनाधार है, आप बिहार के बेसिकली जनाधार की बात करते हैं, वहां की मेजोरिटी की बात होती है, लेकिन आज समस्या ये है कि वो बिहारी है या उत्तर भारतीयों की बात करें, वो अगर गुजरात में महफूज नहीं है तो क्या मैं ये नहीं मांगू कि आप ग्राउंड लेवल से शुरू कीजिए और अपर लेवल तक आइए, वहां पर फैक्टर बटा हुआ है, दरअसल क्षेत्रवाद के हिसाब से हर जगह कोटा है, आपके बिहार में ही बात कीजिए सर, अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना है तो नॉन बिहारी रेसिडेंट्स के लिए कितना रिजर्वेशन आप रखते हैं, तो क्या ये आपके प्रांत में नहीं है? तो शायद एक पूरा पैमाना जैसा तैयार किया गया है जहां पे क्षेत्रवाद की दृष्टिकोण से ही आप लोग डिजाइन करते हैं, सोचते हैं। देखिए ये राजनीति का एक हिस्सा ये भी है, जनता का दबाव होता है दूसरे राज्यों को देख करके, पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था कि कोई भी ऑल इंडिया, आज भी ऑल इंडिया का आदमी, अभी पुलिस की भर्ती निकली है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि बिहार के लोग ही भरेंगे, ऑल इंडिया के लोग भर रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार इस मामले में नहीं है, बाकी राज्यों में डोमेसाइल का। तो फिर अगर इतने उदार हैं तो फिर बार बार हर जगह निशाना उत्तर भारतीयों को क्यों बनाया जाता है? ये अंदरूनी चीजों को, बहुत सी चीजें सामने पब्लिक के नहीं आती, ये जो कुछ बिजनेसमैन जो उत्तर भारत के लोग जो बम्बई से राज ठाकरे की गुंडागर्दी से प्लान किए, आपको अब ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, लोग बॉम्बे से 70% बिजनेस गुजरात की तरफ प्लान हो चुका है, शांति के लिए, वहाँ की सिस्टम के लिए, वहाँ की सरकार के लिए। अब क्या हो गया है कि बहुत मेजॉरिटी में जब बिजनेसमैन आ गए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वक्त नेता भी बहुत पैदा हो गए, लगातार गुजरात चुनाव और ये सब करने से छोटे छोटे लीडर्स भी पैदा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चंदा वसूली का भी खेल है। ये चंदा वसूली जो पहले महाराष्ट्र में होती थी, वहां से लोग परेशान हुए चंदा वसूली लेने के लिए, तो लोगों ने गुजरात शिफ्ट कर लिया, अपना बिजनेस बगल में था और पोर्ट भी नजदीक है, एक्सपोर्ट में भी आसानी है और जमीनें भी वहां सस्ती मिली, बंबई में महंगी जमीन वहां की। तो उत्तर भारतीयों को निशाना क्यों? मेरा सवाल उत्तर भारतीयों के लिए या फार्मूला मतलब है, उत्तर भारतीयों को निशाना क्यों? जब मजदूर चला जाएगा तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी, अगर आपकी फैक्ट्री है और मुझे बंद करानी है तो मैं कुछ ऐसा हंगामा कर दूंगा कि मजदूर डर के भाग जाए तो आपकी फैक्ट्री चलाएगा कौन? ये सोचिए ना। यहाँ कांग्रेस अक्रम कादरी, उत्तर भारतीयों पर निशाना क्यों बार बार लगातार? अभी तमाम टीवी चैनल ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है, राजस्थान में ख़राब है, और इन सारी डैमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आप ये जता रहे हैं, यानी आप ये बता और जता रहे हैं कि उत्तर भारतीयों पर निशाना करके बीजेपी लगा के है बार बार सत्ता पे आती है, चाहे वो महाराष्ट्र बिल्कुल, में हो, बिल्कुल, या फिर गुजरात बिल्कुल वो आती है और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करती है इस तरह के मुद्दे उठा के। और आप भी उसमें पंगु थे जब आपकी सरकार सेंटर पे भी थी और स्टेट में भी थी, हमने बराबर उसका मुकाबला किया, बराबर सुरक्षित करा, हमने दिल्ली के अंदर सफाई की व्यवस्था रखी, हमने इलाज दिया, हमने महाराष्ट्र जो पॉइंट पूछे उस पर आइए, आपने क्या सेफ्टी दिया? राज ठाकरे की गुंडागर्दी चलती रही, आपने क्या सेफ्टी दिया? कितने मुकदमे कायम हुए, मुकदमों से क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बोल रहे हैं, तथ्य पे बात कीजिए, मुकदमों से क्या हुआ? एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खत्म हो गई, टैक्सी चालकों को उन्होंने नहीं मारा, ऑटो वालों को नहीं पीटा, क्या सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की? सिर्फ यहाँ बैठ के राजनीति बात किसके राज में? बीजेपी शासनकाल में करा उन्होंने, आपके शासनकाल में, हमारे शासनकाल में हुआ, बताइए एके मिश्रा जी, बीजेपी शासनकाल में हुआ, एके मिश्रा मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूँ, मैं गुजरात में रहा हूँ, सोशल पॉइंट आप भी उसे देखिए, सारे मराठी नॉर्थ इंडियन अगल बगल रहते हैं, उनके बीच बड़ा भाईचारा होता है,
प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये पॉलिटिशियंस हर निगेटिव चीज को इनकैश करते हैं। मराठी लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है, वहां के लोकल लोगों के दिमाग में, कि ये तो तुम्हारा हिस्सा खा रहा है, तुम्हारा हक ले रहा है, तुम्हारी जॉब ले रही है, जॉब ले रहा है बाहर का आदमी। वो कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं बताते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर 1,00,000 वहां पे नॉर्थ इंडियन गए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वे में देखा जाए डेवलप है, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, उससे महाराष्ट्र में रोड बन रहे हैं, बिजली 24 आवर है। पॉलिटिशियंस कभी भी अच्छे पहलू को नहीं दिखाते हैं कि तुम्हारे कारण या नॉर्थ इंडियन के कारण महाराष्ट्र का कितना विकास हुआ। इनको चाहिए अपना, मतलब डेवलपमेंट चाहिए, जल्दी से ये हाईलाइट है, चुनाव जीते तो ये क्या करेंगे। ये ऐसे सेंटिमेंटल मुद्दों को पकड़ते हैं ना और लोगों के दिमाग में भरते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे, एक सेकंड, अकरम कादरी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष को मैंने सुना, ठीक है कादरी साहब, कादरी साहब, एके मिश्रा, मेरा सवाल सुनिए सीधा स्ट्रेट में, मैं अपने पॉइंट पे रहूंगा, प्लीज डाइवर्ट ना करें। मुझे इतना बताइए, बार बार उत्तर भारतीयों को निशाना क्यों बनाया जाता है? बार बार उत्तर भारतीयों को निशाना इसलिए बनाया जाता है, देखिए उत्तर भारत में तो निशाना नहीं बनाया जाता, उत्तर भारतीय जहां है बाहर उन्हीं को बनाया जाता है निशाना, और ये एक बहुत सेंटिमेंटल मुद्दा होता है। सारे चुनाव या तो जाति पे बांट के जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं, या रीजनलिज्म या लैंग्वेज। आप साउथ इंडिया में देखिए, एक भारत की बात नहीं होगी, साउथ इंडियन द्रविड़ियन वर्सेस फला फला करके होगा। ये मुद्दे इतने सेंटिमेंटल होते हैं कि आदमी या लोकल आदमी तुरंत उससे उत्तेजित हो जाता है। यानी मिश्रा जी आप ये कह रहे हैं कि दरअसल इन मुद्दों के दम पर सियासत होती है, सियासत से किस्मत चमकती है और किस्मत चमकने के बाद सत्ता मिलती है। 90% यही होता है सर, कौन सी पार्टी ऐसी है। यानी यहाँ पर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस तरह से उत्तर भारतीयों को निशाना गुजरात में बनाते? ये बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बताऊं, वहां पे अगर करंट गवर्नमेंट है तो अभी तो गुजरात में चुनाव भी नहीं है, और चूंकि उत्तर भारतीयों को भगाने से इनको एमपी बिहार में क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को, बल्कि उत्तर भारतीय ही नाराज होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी ऐसा कुछ कर रही होगी। मेरे जो और मित्र बैठे हुए हैं बिहार के और कांग्रेस के बैठे हुए हैं, ये किसका है, मैं इसको खैर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करूंगा। अकरम कादरी, एके मिश्रा ने कहा, अकरम साहब, एके मिश्रा ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहेगी, यानी सीधे तौर पर इशारा आपकी तरफ है। मिश्रा जी जो कह रहे हैं, इनका पता नहीं कौन सी एनालिसिस है, इसमें बीजेपी के हाथ में तमाम पावर है, बीजेपी के बगैर चाहे कुछ पता नहीं हिल सकता। अरे सर, कमजोर हो हम तो कमजोर, हमारी सरकार ही नहीं है। उद्योग बंद हो जाए, जिससे हमें अर्निंग होती है, जिससे हमें अर्निंग होती है, जिससे हमारे फिर एक बात बताइए, अगर एक बच्चे का बलात्कार अगर बिहार का आदमी करते हैं, तमाम बिहार के लोगों पे क्यों अत्याचार हो रहे हैं, हमारे यूपी पे क्यों अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो वोटर नहीं है वहाँ पर, क्या जो लोग वहाँ पर हैं, क्या उनका एक काम कर रहे हैं, गुजरात को छोड़ दो, आप अपनी तो नाकाबी नहीं, अल्पेश ठाकुर का क्या विचार है, बस चल जाएगा। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी सुन लीजिए, ठीक है मिश्रा जी सुन लीजिए, नहीं करती कांग्रेस के राज्य में ऐसा कभी नहीं होता, ये बीजेपी के राज्य में ये सब बीजेपी की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति कभी नहीं करती। ठीक है, एनपी सिंह जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कभी भी अपने प्रदेश में जहाँ हमारी सरकार हो और वहाँ चुनाव भी नहीं होने वाला हो तो हम क्यों लोगों को मारेंगे, क्यों तो मारे में चुनाव नहीं है। एनपी सिंह, एनपी सिंह, एक सेकंड, एक सेकंड, अकरम कादरी सुनिए, एनपी सिंह मैं थोड़ा सा आपके लिए और सरल भाषा में समझाता हूँ, आप क्यों मारेंगे, मैं मेरे पीछे इसके इसके लिए भी तर्क है। मिश्रा साहब का अपना जर्नलिस्टिक अप्रोच होगा, बट मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको पढ़कर अगर आया हूँ तो मैं शायद मैं सवाल पूछ सकता हूँ, और इस सवाल से शायद इत्तेफाक रखते होंगे फजील साहब भी, कांग्रेस के मित्र भी, और मैं यही सवाल फिर एके मिश्रा से भी समझूंगा, क्या इस पॉइंट से आप इत्तेफाक नहीं रखते। मेरा सवाल यह है कि दरअसल गुजरात के अगर कामगारों के उस रेशियो को समझे ना, तो उत्तर भारतीयों से ज्यादा कामगार वहां पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। पहला पॉइंट कि वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उत्तर भारतीयों के, कंपेरेटिवली उनकी संख्या तादाद जो है वो ज्यादा है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इस वक्त अगर अल्पेश ठाकुर का नाम है तो आप एनालाइज करिए कि इससे किसको फायदा हो रहा है, वो बीजेपी को डायरेक्टली। क्या बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि इन दो राज्यों में चुनाव हो, अगर उत्तर भारतीय सेफ नहीं है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी सेफ नहीं होंगे। आप फिर से दावा करेंगे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे ताकि हमारे लोग हमारे स्टेट में काम करें और इसका आपको एडवांटेज मिले, क्या ये सोच आपकी नहीं हो सकती? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही वही कह रहा हूँ, हम ये बताना चाहते हैं कि इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे प्रदेश में रहते हुए जिन लोगों को वहां से भगाया जाएगा,
तो क्या किसी भी अगर वहां से भगाया जाता तो उनके परिवार के लोगों को असर नहीं पड़ेगा उस चीज? हम क्यों चाहेंगे कि उनको भगाया जाए? अरे सर, ये तो इतना इस तरह से आप बात कैसे लगता है कि भाई आप जो बोलेंगे हम मान लें? अरे सर, आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों चाहेगी? मैं भी ये तो ही समझा रहा हूं आपको, मैं तर्क दे रहा हूं एनपी सिंह साहब जी, मैं आपको तर्क दे रहा हूं। सीधी सी बात है, इन दोनों के सर्वे में आप पीछे ट्रेल करते हुए दिख रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं कांग्रेस से, आपके पास वो मेजोरिटी नहीं नजर आ रही है क्या? ये सोचने को आप बिल्कुल नहीं, हमारी मेजोरिटी है, हमारे लोग आज भी वहां पर उद्योगपति सब हमारे से रिलेटेड है, वर्कर्स लोग हमारे साथ हैं। नहीं, उद्योगपति अगर क्या हमारे अगर वर्कर जाएंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारे उद्योग नहीं बंद होगा। मतलब आपके उद्योग बंद होंगे इसलिए वर्करों से आ रहा हूं मिश्रा साहब, उद्योगपतियों को नुकसान होगा वर्करों से इसलिए मोहब्बत है बस आपको मात्र? नहीं, उद्योगपतियों से आपको कोई सबसे मोहब्बत है, सारे मेहमानों को रोजगार दिया गया, हमारे उद्योगपतियों को नुकसान होगा वर्कर जाएंगे, दोनों को नुकसान है, सारे प्रदेश को नुकसान है। आपने अभी जो बोला है आपको प्रेम ओनली उद्योगपतियों से, ऐसा देखिए हमारे अगर उन्होंने सकता है अक्रम कादरी अगर वो अपने शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक सेकंड सर सर सर, अगर वो शब्दों पे कुछ उनकी गलती हो गई तो उसको सुधार रहे हैं, इस पे उसी बात को मत पकड़ी क्योंकि शुरुआत आपने कांग्रेस को बहुत घटिया पार्टी के तौर पर शुरू किया था, मैंने भी उसको सही, हाँ तो वो गलती अगर आपसे हो सकती है, नहीं नहीं आपसे हो सकती है तो दूसरे से भी हो सकती है अगर उसको सही कर रहे हैं तो, प्लीज ये इशू नहीं था। फजील अहमद, एक पॉइंट मैं आपसे समझूंगा, जो बीजेपी इतनी क्लीन अपने आप को क्लीन चिट दे रही है और ये कह रही है कि भाई हमारे दमन में कोई दाग ही नहीं है, हम क्यों चाहेंगे, हम क्यों चाहेंगे, मेरे पास पॉइंट है सर, वैलिड पॉइंट है, क्या ये खौफ पैदा नहीं किया सकता उन दोनों ही राज्यों के लोगों पर जो गुजरात में बैठे हुए हैं कि दरअसल देखिए वो सुरक्षित नहीं तो आप कहां से सुरक्षित है? इस ऐसे में जो है सरकार अगर हमारी बनती है तो हम आपके राज्य में विकास इतना कर देंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी क्या ये बात का एडवांटेज नहीं उठा सकती है? देखिए जब इंसान हताश और निराश होता है ना तो उसके रास्ते हमेशा गलत कदम पड़ते हैं, कोशिश तो करते ही आदमी, अब फंसा है तो निकलने की कोशिश करता है भले डूब जाए। बीजेपी उसी रास्ते पे चल चुकी है, वो सारे उल्टे सीधे उनके हथकंडे उनकी बातें, अच्छी अच्छी बात कहते हैं ना काट की हांडी एक बार चढ़ती है, अच्छी अच्छी बात तो इन्होंने बहुत कर ली, अब जनता 4 साल हो गए, अब जनता रिजल्ट चाहती है। दूसरी बात यह है हम लोग बैठे हैं टीवी के ऊपर, जनता अपने अपने घर में बैठी है, देश में ना गुजरात में ना तो पुलिस है ना कानून है ना सरकार है, जिसका एक मिनट जिसका जो मन में आए करे, राष्ट्र एक मिनट सर, राज ठाकरे जनता पार्टी सुनिए चलते हुए वहां पर राज ठाकरे साल से गुजरात में लगातार है, आप कैसे कह रहे हैं कि जनता के 15 साल में पहली बार हो रहा है ना, ये 15 साल हो चुके हमारी सरकार चलते हुए पहली बार हो रहा है ना, आपने एक्शन क्या लिया? अच्छा काम नहीं करते तो 15 साल सरकार में पहली बार हो रहा है ना, ये 15 साल में कितनी बार डिबेट हुआ इस पर? आप मेरी बात सुनिए, 15 साल गुजरात ही क्यों? फजील अहमद अच्छा सिंह साहब फजील अहमद फिर गुजरात ही क्यों? फिर गुजरात ही क्यों? मैं समझा नहीं आपके। फिर गुजरात ही ऐसा क्यों पॉइंट बना जहां पे उत्तर भारतीयों के साथ ये सवाल उठा? सर गुजरात नहीं, आप दिल्ली के अंदर सैकड़ों मामले रोज हो रहे हैं, मीडिया में नहीं आ रहा, जिस दिन बॉम्बे में खुलेआम आपको पता है क्या होता है, आप बेंगलोर जैसे हैदराबाद जैसे सिटी में भी आप ऐसी बात नहीं है, हर जगह उत्तर भारतीयों पर जुल्म होता है उनको, तो मैंने यही तो पूछा था क्यों होता है, दोहरी नागरिकता जैसा समझा जाता है, क्यों होता है आखिर, उत्तर भारतीय सॉफ्ट टारगेट क्यों बन जाते हैं? सर पॉलिटिक्स, उनको लगता है कि ये बाहर के लोग हैं, हम यानी उत्तर भारतीय मैनिपुलेट हो जाते हैं, राष्ट्रवाद की कमी है। सीधा सर कहिए ना कि उत्तर भारतीय दरअसल मैनिपुलेट हो जाते हैं, इनको पता है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल किए गए हैं, नहीं वहां पे माइनॉरिटी हो जाते हैं ना, आप बेंगलोर में चले गए, अब बंबई में चले गए तो माइनॉरिटी हो जाते हैं। मेरी बात जी को क्या वो उत्तर भारत का नहीं है सर? 36 जगह पे मेरी बात सुनिए सर, सुनिए क्यों सोच रहे हैं, सुनिए कंक्लूड कीजिए, नहीं है सर कंक्लूड कीजिए सर, एक मिनट कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड। दिल्ली के अंदर 36 जगह पे छठ की पूजा नहीं हुई, किसने नहीं होने दिया? मनोज तिवारी। आपने, 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 आपने बंगाल में ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं पूछा? नहीं, जो चंदा बंद करवा दिया, बिल्कुल आप तो पॉइंट पे आइए सर, घुमाइए मत, घुमाइए मत, मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें बात कीजिए। बिहार के लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो मैं तो कह रहा हूँ सर, देश में मैं तो यही पूछ रहा हूँ, दिल्ली के लोग सुन रहे हैं फजील अहमद, मैं कह रहा हूँ सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए, क्यों क्यों उत्तर भारतीय हमेशा टारगेट में आते हैं, क्यों उत्तर भारतीय कोई निशाना बनाया जाता है? क्योंकि आप जैसे नेता, नहीं आप जैसे नेता मैनिपुलेट करते हैं। नहीं मैनिपुलेट नहीं करते, वो कमजोर हैं, गरीब हैं, आप अगर जाते हैं थाने में शिकायत करने तो यहाँ का जो लीडर है जो यहाँ का कहता है कि हम दिल्ली वाले हैं,
वो लोग वहां को चलने नहीं देते। आप सारे नेता लोग, सरकार किसी की भी हो, सरकार इसीलिए होती है कि जो कमजोर है, जो गरीब है, उनको भी सुरक्षा दिया जाए, जो स्वयं सुरक्षित है। ये तो आप विदेश की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। मैं विदेश की बात में क्यों करूं? विदेश की हिंदुस्तान में हमने बिना सिफारिश के ना, बिना सिफारिश के एक मुकदमा कायम नहीं हो सकता। ये जो आप बात कर रहे हैं ये लंदन ब्रिटेन होता होगा, भारत के अंदर बिना सिफारिश के फजील अहमद मुकदमा कायम नहीं हो सकता। आपको बताता हूँ, जब कोई आदमी माइग्रेट करता है तो नेचुरली वो दूसरे स्टेट में कमजोर होता है, उनकी जनसंख्या उतनी नहीं होती है। पोलराइजेशन का ये एक सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया, साउथ इंडिया में जितनी सरकारें बनी है, मेन मुद्दा द्रविड़ियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन या आर्यन है। बिहार में आप देखो तो वहां पे भी जाति, से लालू प्रसाद यादव अगर आए तो जाति से, जाति के आधार पे लोगों को बांट के आए। तो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज ये बड़ी अच्छी चीज नेताओं को पढ़ा के गए हैं, डिवाइड एंड रूल। अब ये आपने जो ये सवाल पूछा उत्तर भारतीयों पे ही क्यों होता है, डेफिनेटली उत्तर भारत, यूपी, बिहार वगैरह पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जल्दी, पिछड़े 20 सेकंड है आपके लिए। उतने उद्योग नहीं हुए, लोग पलायन करते हैं, जब पलायन करते हैं तो वो कमजोर है और नेताओं के वो सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। नेता लोग जितने हैं पॉलिटिकल पार्टी, अपना हित साधने के लिए ऐसे ही लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाती है। मैं बोलता हूं अगर यही कॉन्सेप्ट होता तो यूपी में क्यों नहीं मराठियों के खिलाफ कोई आंदोलन चलता है, चाहे वो 100 लोग ही क्यों ना हो। बिहार में क्यों नहीं चलता है? के लिए बता दूं, बनारस के अंदर महाराष्ट्र बैंक का हमला हुआ था। सुनिए, बनारस के अंदर देश को खंड खंड करके अपनी सत्ता हासिल करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फजील अहमद, थैंक यू, थैंक यू ए के मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया।